हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं गौरव यादव, यूट्यूब चैनल गौरव पर स्वागत है, अभिनंदन। तो कैसे हैं आप लोग? आए हो बच्चे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दो या तीन क्लास स्टार्ट पहले कि कौन सा टॉपिक किया था, ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, उसके बारे में मैंने आपको कंसेप्ट बताए। उसके कंसेप्ट जो मैंने आपको डायग्राम बना के बताया, किस प्रकार माता रिलेट करते हैं, किस प्रकार पिता को रिलेट किया जाता है। उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स भी आपको बेसिक पॉइंट भी बताए थे। उसके बाद वो मैंने टाइप फर्स्ट स्टार्ट की थी और उसके मैंने एग्जांपल क्या है, टाइप फर्स्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको सारे कराए। आज से हम टाइप सेकंड कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मोटिवेशन कोड देख लीजिए। समस्याओं पर बहस करने के बजाय उसके समाधान पर जोर देना ज़्यादा बेहतर है। ये नहीं कि समस्या है और यूँ खड़ा कि यार कैसे करूँ मैं, या नहीं कर सकता, वो है वो है उसके, ये तो हमें सोचना ही नहीं है। जो भी कोई समस्या हमारे सामने आ रही है, बस उसका सॉल्यूशन देखना है हमारे पास, उसका समाधान करने पर जोर देना है, अपने उसमें फुल एफर्ट लगा देने हैं कि समस्या को कैसे सॉल्व करें। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते, पर हमारे अंदर क्या होना चाहिए, हौसला होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। बस इतना होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, तो ऐसी कोई चीज़ समस्या नहीं होगी जो सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। तो हार्ड वर्किंग करते रहें। तो देखिए, आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा? ब्लड रिलेशन, ठीक है। ब्लड रिलेशन मैंने टाइप फर्स्ट तो आपको कंप्लीट करा दी थी, टाइप सेकंड आज हमारे टाइप सेकंड है, ठीक है। टाइप सेकंड के क्वेश्चन देखिए। एक पहला एग्जांपल है, एग्जाम्पल नंबर अपना फर्स्ट है। अंजलि एक आदमी की ओर संकेत करते हुए कहती है कि वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है, ठीक है, कि वह मेरी बहन के पिता के, बहन के जो भाई है, ठीक है, के पिता का इकलौता पुत्र है। वह आदमी का अंजलि से क्या रिश्ता है, ये हमें बताना है इसमें, ठीक है। और उसमें चार ऑप्शन दिए कि यह पिता लगता है अंजलि का, या भाई लगता है, या चचेरा भाई लगता है, या माता लगती है, ठीक है, ये माता हो या कुछ भी मान लो, ठीक है। चार ऑप्शन होंगे हमारे पास, चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर होगा, तीन हमारे पास इनकरेक्ट होंगे। तो हमें क्वेश्चन को जो जो चीज दी हुई है उनको पढ़ते हुए डायग्राम बनाना है और उसके अनुसार हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अंजलि कहती है, अंजलि एक आदमी को इशारा करते हुए कहते हैं, जैसे अंजलि आप खुद मान लीजिए, तो अंजलि और आपके सामने कोई आदमी खड़ा हुआ है और वो कहती है कि इस जो आदमी संकेत करते हुए कहती है कि वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार करेंगे, देखिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखिए इसका आंसर, ये कह रही है कि अंजलि एक आदमी को इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरी, तो ये आदमी है, हमने इस आदमी को इस प्रकार दर्शा लिया कि यह आदमी है, ठीक है, जिस आदमी की बात कर रहे हो वो ये है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वह हो गया, उसके बाद वह मेरी यानी कोई अंजलि यहाँ पर लिख दी हमने, अंजलि, ठीक है, ये है हमारे पास अंजलि। कह रही है कि अंजलि यानी अंजलि की बहन, जो मेरी बहन है, बहन के भाई, अंजलि की बहन किस प्रकार दर्शाएंगे, इस प्रकार ये अंजलि की बहन हो गई, ठीक है। अंजलि की बहन के भाई, उसका भाई, ठीक है, ये कोई भी उसका भाई मान लीजिए, ठीक है, मान लिया अपने भाई, भाई के पिता, भाई के पिता क्या होंगे, अंजलि के बहन के भी पिता होंगे और खुद अंजलि के पिता होंगे, तो इनका पिता यहाँ पर आ जाएगा, ये इनका पिता हो गया, इसका भी पिता हो गया और इसका भी पिता हो गया, ये इन दोनों के क्या हो गया, पिता, ओके, ये इन दोनों का पिता हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि पिता का इकलौता पुत्र, तो ये कोई आदमी मान लिया हमने, इसी को मान लिया, तो क्या है, इकलौता पुत्र भाई आदमी है, तो किसी भी आदमी, किसी बहन है, ठीक है, अंजलि है, उसकी बहन का पिता हो गया, तो अंजलि का पिता वही हो गया, ठीक है। और जो उसका जो आदमी है वो क्या है, उसका जो पिता है उसका इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र वह आदमी उनका अंजलि हो, क्या होगा, अंजलि और उसकी बहन का क्या हो जाएगा भाई। तो हमसे पास यही पूछा हुआ है कि आदमी का अंजलि से क्या रिश्ता है, तो देखिए किस प्रकार करेंगे। तो ये तो पिता हो गया, तो ये हमने एक एक झांझा से स्टार्ट की थी, वहां से स्टार्ट करते हुए लिख दिया हमने। देखिए सबसे लिखा था कि वह आदमी हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। उसके बाद क्या था कि मेरी यानी अंजलि है उसकी बहन के भाई, भाई हमने कुछ भी वैसे मान लिया, ठीक है, भाई के पिता, अंजलि के भाई का जो बहन है उनका पिता, अंजलि का पिता होगा और उसकी बहन का पिता होगा, तो वह पिता मान लिया, उसके क्या कर रहे हैं, इकलौता पुत्र है, तो वह आदमी इकलौता पुत्र खुद ही होगा, स्वयं ही होगा, ठीक है। तो अब अंजलि का इससे संबंध बताना हमारे पास, तो इसका इससे किस प्रकार हम रिलेट करेंगे। हमसे पूछा क्या हुआ कि वह आदमी का
अंजलि से, तो जो फर्स्ट में कौन आ रहा है हमारे पास आदमी आता है, ठीक है, तो आदमी का देखना है हमारे पास, आदमी का पिता से, आदमी का अंजलि से, तो आदमी किस प्रकार इंडिकेट हो रहा है इसमें, अंजलि कैसे किस प्रकार इंडिकेट हो रहा है, ये अंजलि का क्या लगता है, भाई लगता है, ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, भाई, तो इसका राइट आंसर भी है हमारे पास भाई, ठीक है। नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा स्क्रीन पर, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास क्या होगा, भाई होगा, ठीक है, ब्रदर। ओके, तो एक बार और देख लीजिए ये आपका आंसर है, तो अंजलि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है, वह आदमी का अंजलि से क्या रिश्ता है, हमें ये बताना है, ठीक है, तो हमें देखना है सबसे पहले यहाँ से लिख लिया कि अंजलि ने एक आदमी को इशारा करते हुए कहती है कि वह कि वह जो आदमी है उसको हमने यहाँ पर दर्शा दिया, जिस प्रकार लिखा हुआ है कि वह को यहाँ दर्शा दिया, उसके बाद मेरी यानी अंजलि है उसकी बहन, इसको बहन को यहाँ पर हमने इंडिकेट कर दिया, अंजलि के भाई, अंजलि का भाई का पिता, तो अंजलि का और उसकी बहन का भी पिता वही होगा, तो उसकी बहन का पिता होगा और अंजलि का पिता होगा ये, उसके बाद कह रहे हैं कि पिता का इकलौता पुत्र, जो वह आदमी है वो इसका क्या है, इकलौता पुत्र है, तो इसका पिता हो गया, इसका जो पिता है इसका इकलौता पुत्र, तो वह खुद आदमी अकेला ही होगा, इसका और कोई भाई तो ही नहीं, खुद ही को इस क्वेश्चन में इंडिकेट किया हुआ है कि वह इसका क्या इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र स्वयं खुद होगा, तो अब क्या बताना हमें आदमी का अंजलि से किस प्रकार का रिश्ता है, अगर ये इसका पिता है इसका ये बेटा है, तो हमारे आप खुद पर से बताना है, हमारे पास अंजलि से बताना है, तो अंजलि का आदमी से क्या होगा, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में देखेंगे तो हमसे पूछा क्या होगा आदमी का अंजलि से, तो मैंने आपको बताया कि जो कहां से पहले आता है, जो इसको इंडिकेट इसमें इंडिकेट किया हुआ, इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, तो अंजलि का क्या लगता है हमारे पास, भाई लगता है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ठीक है, कॉपी करें। तब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल नंबर सेकंड, मैं इसको हटा रहा हूँ सबको, ऊपर थोड़ा स्क्रीन में दिख रहा नहीं दिख रहा आप, ऊपर दिख जाएगा आप, एग्जांपल नंबर सेकंड देखिए, सोनू ने मोनू से कहा कि क्रिकेट खेल रहा वह आदमी मेरे दादाजी के पुत्र की इकलौती बहन का पति है, तो वह आदमी सोनू से किस प्रकार संबंधित होगा, साला लगेगा, जीजा लगेगा, मामा लगेगा, भांजा लगेगा, ठीक है, चार ऑप्शन में से एक का हमें आंसर देना है, तो देखो किस जो जो चीज हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में उसका क्या हम डायग्राम क्रिएट कर लेंगे और जो हमें पूछा हुआ है उसका आंसर दे दिया जाएगा, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आंसर, क्या क्या फहरा है प्रश्न में देखिए, सोनू ने मोनू से कहा क्रिकेट खेल रहा वह आदमी, तो सोनू ने खेल रहा जो सोनू ने मोनू से क्या कहा, जो क्रिकेट खेल रहा है वह आदमी मेरे दादाजी, किसके दादाजी हो गए, सोनू के दादाजी, तो हमने यहाँ पे मान लिया सोनू, ये सोनू, ठीक है, इसके दादाजी, दादाजी कौन होंगे, इसके पिता के पिता, ये तो हो गए इसके पिता, ये इसके दादा, ठीक है, दादा के पुत्र कौन हो गया, पिता वापिस उसका, और पुत्र का पुत्र कौन हो गया, वह खुद स्वयं सोनू, ठीक है, स्वयं सोनू हो गया, उसकी क्या कह रही है इकलौती बहन, तो इसकी इकलौती बहन यहाँ हो गई, ये हो गई इसकी बहन, ठीक है, इकलौती बहन इसकी बेटी हो जाएगी, ठीक है, पिता की बेटी हो गई, उसके बाद कह रहा है कि बहन का पति, इसका पति कौन हो जाएगा, ये इसका पति हो गया, ठीक है, पति को किससे डैश से, पति पत्नी को डैश से, उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ तक हमने डायग्राम बन ले जैसे जैसे हमसे कहा गया है, उसके बाद कहता है कि हमसे कि आदमी वह आदमी सोनू से किस प्रकार संबंधित, जो ये आदमी है, जो ये आदमी था, ठीक है, देखिए कह रहा था कि जो क्रिकेट खेल रहा आदमी है वो मेरे पिता के दादा के पिता के दादा के पुत्र की पुत्र की इकलौती बहन का पति है, वो आदमी है, ठीक है, तो वो आदमी कौन हो गया, इसकी पत्नी हो गई, ठीक है, तो हमें संबंध किस में बताना है, सोनू में और पति में, ठीक है, तो इन दोनों में संबंध स्थापित करना है हमें, तो देखिए मुझे पूछा क्यों है सोनू से, वो आदमी सोनू से किस प्रकार, तो पहले कौन आता है हमारे पास, आदमी आ रहा है, तो ये आदमी है जो पति है हमारे, सोनू का क्या लगता है, अपनी बहन का पति क्या लगता है हमारा, जीजा लगता है, ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, जीजा, तो इसका राइट आंसर जीजा होगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या है इसका, सोनू का जीजा है,
ये सोनू का जीजा लगता है, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। एक बार और देखिए, जैसे जैसे हमने क्वेश्चन कहा हुआ है वैसे वैसे कर लेंगे हम। तो देखिए क्या कहा हुआ है हमसे, कि जो सोनू है वो उसके जो दादा है उसके पुत्र के पुत्र खुद सोनू हो गए, सोनू की इकलौती बहन हो गई, उसका क्या हो गया, पति हो गया, ठीक है, ये उसका पति हो जाता है। उसके बाद कह रहा है कि जो ये पति है वो किस प्रकार संबंधित सोनू से, तो पति है बहन का पति क्या लगता है, सोनू का जीजा लगता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, कॉपी करें। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड, देखिए अक्का ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि कक्का से, किससे कहा था, अक्का ने कक्का से एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह तुम्हारे पिता की पुत्री की माँ के ससुर के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है, तो अक्का का उस तस्वीर से क्या रिश्ता है, कि वह बहन लगती है, भाई लगता है, पुत्री लगती है, माँ लगती है, ठीक है। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों का में से एक आंसर राइट आंसर निकालना है। तो जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है उस उसके अनुसार हम डायग्राम क्रिएट कर लेंगे। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके आप खुद करने की कोशिश करें और उसके बाद मैं कराता हूँ। तो देखिए जैसे जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे वैसे करेंगे। तो अक्का ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि कक्का से कहा कि वह तुम्हारे, तो वह किससे कह रहा है, कक्का से कह रहा है कि वह तुम्हारे, तो वह किसके लिए आया, वह कक्का के लिए आया, तो कक्का तुम्हारे पिता, ये कोई हमारे पास कक्का हो गया, ये नाम भी अजीब दिया हुआ है अक्का कक्का, तो वह तुम्हारे पिता की, ये हो गया हमारे पास कक्का। कक्का क्या है, कोई आदमी है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि कोई पुरुष वर्ग है, तो इसको स्क्वायर में लिख लिया, कक्का तुम्हारे पिता, तो इसका पिता कौन हो गया, ये ठीक है, ये इसका हो गया पिता, कक्का का पिता हो गया ये, कि पुत्री, इसकी पुत्री कौन हो गई हमारे पास, ये थोड़ा सा ऊपर लिख ले, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, तो यहाँ लिख लिया हमने कक्का, ये हो गए कक्का का पिता, और ये इसकी बेटी, ठीक है, ये इसकी पुत्री हो गई, ये पिता है। उसके बाद क्या कहता है ये, कि पुत्री की माँ, इस पुत्री की माँ कौन होगी, जो इसके पिता की पत्नी हो गया, नहीं कक्का और ये दोनों क्या हो गया, आपस में बहन भाई हो गए, जो इसके पिता है इसकी बेटी, वो हमारे, ऐसा मान लीजिए कि जैसे हमारे कोई बहन, जैसे हमें हमारे पिता है और उसकी बेटी हमारी क्या लगती है, बहन लगती है, ठीक है, तो उसी प्रकार जो कक्का है इसको कक्का को हमने खुद मान लिया, इसके जो पिता है यानी हमारे पिता की बेटी क्या लगी, हमारी बहन हो गई, ठीक है, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद कह रहा है जो इसकी जो माए, इसकी माँ कौन लगेगी, इसकी बहू, वो सॉरी इसकी क्या लगेगी, पत्नी, ठीक है, बहू लगती है, पत्नी लगती है, ये क्या होगा, इसकी पत्नी, ठीक है, ये होगी पत्नी इसकी, यानी माँ हो गई इस लड़की की, ठीक है, ये तस्वीर थी, इस तस्वीर की क्या हो गई, ये माँ हो गई, ठीक, किस प्रकार माँ हो गई, क्योंकि ये इसका पिता है और ये इसकी पत्नी हो गई, तो ये इसकी माँ हो जाती है। उसके बाद क्या, माँ के ससुर कौन होंगे, हमारे पिता के पिता यानी हमारे दादाजी, तो ये हमें क्लियर हो गया कि जो हमारे पिता है इसके पिता कौन हो जाते हैं, इसके क्या हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे, ठीक है, ये होगी पत्नी, इसकी पत्नी यानी माँ हो गई है, तो ये क्या हो गया, इसके ससुर हो गए, ससुर के इकलौते पुत्र, ससुर का इकलौता पुत्र कौन होगा, हमारी माँ के ससुर का इकलौता पुत्र कौन होगा, हमारे पिता, तो हमारे पिता की इकलौती पुत्री है, तो इकलौती पुत्री क्या होगी, ये सोन होगा इस पिता की, हमारे पिता की, जो ये कुछ तस्वीर है, ठीक है, तो हमारे क्या पूछा हुआ है कि कक्का का उस तस्वीर से क्या रिश्ता है, जो ये कक्का है इस तस्वीर का क्या लगता है, उसे पूछा हुआ है, हमें क्या देखना है कि इसमें जो सबसे पहले आता है उससे, जो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, कक्का आ रहा है, कक्का इसमें क्या लगता है, इस तस्वीर का भाई लगता है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार इसका क्या हो जाता है, भाई हो जाता है, इसका राइट आंसर भी भाई होगा, ब्रदर, ठीक है, तो कॉपी करें। एक बार और दिखले, अक्का ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि कक्का से कि वह तुम्हारे पिता के पुत्री की माँ के ससुर के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है, तो कक्का का उस तस्वीर से क्या रिश्ता है, तो हमने एक अक्का मान ले, कक्का कह रहा है कि वह, अक्का कह रहा है कि कक्का से कि वह तुम्हारे पिता, जो कक्का के पिता है, कि पुत्री कौन हो गई, ये लड़की, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारी आपस में बहन हो गई, ठीक है, हमारे पिता की बहन लड़की बहन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि पुत्री की माँ, पत्र की माँ कौन हो जाएगी, हमारे पिता की पत्नी, ठीक है, ये इसकी माँ हो गई, हमारी माँ हो जाती है। उसके बाद कक्का की माँ हो गई, कि ससुर कौन होंगे, हमारे पिता के पिता यानी हमारे दादाजी क्या होंगे, इसके ससुर, और ससुर के इकलौते पुत्र कौन हो जाएगा, खुद पिता यानी उसका जो पत्नी पति है वो हो जाएगा, ठीक है, यानी हमारे पिता, तो कि पुत्री की इकलौती पुत्री है, ये पिता की इकलौती पुत्री है, खुद स्वयं तस्वीर हो गई, तो इसका तस्वीर से इससे क्या संबंध होगा, जो कक्का क्या लगता है, इस तस्वीर का भाई लगता है, तो कॉपी करें। जी एग्जाम्पल में फोड़ देखिए, एक आदमी की ओर संकेत करते हुए एक स्त्री ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ के एकमात्र पुत्री है,
तो उस स्त्री का उस आदमी से किस प्रकार रिश्ता होगा, ठीक है, क्या रिश्ता होगा, हमसे दिया हुआ है कि बहन होगी या चाची होगी या माँ होगी या इनमें से कुछ नहीं होगा, चार ऑप्शन में दिए होगा, अगर ये तीनों नहीं होंगी तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, कुछ भी नहीं लगेगी। तो देखिए किस प्रकार जो जो चीज हमें डायग्राम में दी हुई है उनको हम कॉपी कर लेते। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, एक आदमी को इशारा करते हुए स्त्री ने कहा कि, जो स्त्री ने क्या कहा कि उसकी माँ यानी किस आदमी की माँ, ये कोई हमारे पास आदमी मान लिया, ये आदमी आदमी पुरुष होता है, ठीक है, आदमी हो गया, ठीक है, आदमी की माँ, इसकी माँ कौन होगी, इसके पिता की पत्नी, ये इसकी माँ हो गई, ओके, इसकी माँ मेरी माँ की यानी जो स्त्री है उसकी, मेरी माँ किसके लिए आएगा कि स्त्री के लिए, स्त्री ने तो कहा तो स्त्री की माँ की एकमात्र पुत्री है, तो यहाँ पे कुछ भी मान लिया, स्त्री है, स्त्री है हमारे पास, ठीक है, स्त्री की क्या है, ये स्त्री का पिता है, स्त्री के पिता की पत्नी क्या हो जाएगी, इसकी माँ हो जाएगी, ठीक है, ये इसकी भी बेटी हो जाएगी, तो इसकी जो माँ है इसकी क्या है, इकलौती पुत्री है, तो ये भी इसकी, ये इसकी बेटी हो जाएगी, ओके देन, तो ये इकलौती पुत्री है, तो ये स्त्री और माँ एक ही तो हो जाएगी, जो इसकी जो माँ है और इसकी ये पुत्री है, ठीक है, तो ये एक ही, तो इसमें भी कह रहा है कि हमसे क्या कहवाई, एकमात्र पुत्री है, तो ये अलग अलग कैसे होंगे, स्त्री ये और ये क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी, ठीक है, जो ये व्यक्ति जो ये स्त्री है ये क्या हो जाएगी, यही इसकी माँ हो जाएगी, तो इस यही हमसे पूछा हुआ कि स्त्री का उस आदमी से क्या रिश्ता है, तो हमसे क्या पूछा हुआ इस आदमी का, इस स्त्री से क्या पूछ, ये आदमी क्या है, स्त्री क्या है, इसमें आदमी की माँ है, तो जो पहले आता है स्त्री आ रही है, यही हमारे पास स्त्री थी, ठीक है, स्त्री क्या लगती है, इस आदमी की माँ लगती थी, यही इसका ऑप्शन होगा। देखिए दोबारा से देखिए हमसे क्या कहा कि एक आदमी की ओर संकेत करते हुए स्त्री ने कहा कि उस आदमी उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, तो स्त्री का उस आदमी से क्या रिश्ता है, तो देखिए ये आदमी हो गए, आदमी की माँ कौन होगी, पिता की पत्नी, ठीक है, ये पत्नी होगी, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया, उसके बाद क्या कि मेरी माँ उस स्त्री की माँ, हमने स्त्री एक बार यहाँ पे मान लिया था, ठीक है, वैसे ही स्त्री की माँ, स्त्री की माँ ये हो गई, पिता की पत्नी इसकी, और क्या कह रहा है कि इसकी पुत्री है, तो ये पुत्री एकमात्र पुत्री है और एक ही हो गई, तो अलग अलग कैसे, जो स्त्री वो क्या है इसकी, जो जो स्त्री है वही क्या है, इस आदमी की माँ होगी, ठीक है, तो ये दोनों इसके एक हो जाएंगे, ये इसकी पत्नी और जो ये पुत्री है और ये माँ एक ही तो है, इसकी बेटी तो है, ठीक है, तो ये स्त्री इसकी माँ ही हो जाएगी, ठीक है, तो स्त्री इसके किस प्रकार संबंधित हो जाएगी हमसे, इसकी क्या है, माँ है, तो कॉपी करें, आया समझ, तो मैंने कल लेगा आप कौन सा टाइप कंप्लीट कराई थी फर्स्ट टाइप, और आज मैंने कौन सा टाइप कराई थी सेकंड टाइप, ठीक है, आज इस वीडियो को हमारे जो क्लास है इसको यहीं पर रहने दीजिए, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है इस वजह से, ठीक है, तो मैंने दो टाइप आपको कंप्लीट करा दी थी, एक थर्ड टाइप और है, उस थर्ड टाइप को हम अगली नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और कंटिन्यू करने के बाद जो एक थर्ड टाइप कंप्लीट हो जाएगी लास्ट टाइप है वो, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इसके क्वेश्चंस है इसके प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम चैप्टर लेंगे, तो ये दोनों टाइप कंप्लीट कर ले, ये जो टाइप आप कैसे लगी तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि वीडियो कैसे लगी, और वीडियो को लाइक करें शेयर करें सभी फ्रेंड के साथ, जिससे वीडियो सभी का लाभ उठा सके इस वीडियो का, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें रीजनिंग बाय गौरव यादव को, जिससे आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो देख सके, ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।